और वहीं बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें चौथी सूची को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में अजय जामवाल मौजूद हैं, वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं। बीजेपी ने अब तक 79 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। दरअसल देर शाम को भी बड़ी बैठक होगी, जानकारी मिल रही है। भोपाल में बीजेपी की यह बड़ी बैठक चौथी लिस्ट को लेकर मंथन हो रहा है, ऐसा जानकारी दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव यहां चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए। टिकट पर मंथन चल रहा है कि जो तीसरी या जो दूसरी सूची आई थी जिसमें ये हिला कर रख दिया था लोगों को, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतार दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिससे कि सबूत तो चर्चा चल ही रही थी। कांग्रेस पार्टी में भी अब इस विषय को लेकर चर्चा शुरू हुई। अब जो चौथी सूची आएगी, जो चौथी लिस्ट आएगी, उसमें क्या और किन सीटों पर किस तरह के उम्मीदवार उतारे जाते हैं, सभी की निगाह यहां पर टिकी रहेगी। क्योंकि जो दूसरी सूची में कैंडिडेट्स के नाम जारी किए गए थे उनसे तो सभी सोचने पर मजबूर हो गए थे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, बैठक को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, भाजपा के आज सुबह से बैठक चल रही थी और लगातार आज पहली बार ये हुआ कि अजय जामवाल भी शामिल हुए। हाँ। जबकि अजय जामवाल लगातार क्षेत्रीय उनके पास मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी थी तो अभी छत्तीसगढ़ पर फोकस था, लेकिन आज वो मध्यप्रदेश में भोपाल में इस विशेष रूप से बैठक में शामिल हुए हैं। उसके अलावा भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और वो तमाम प्रमुख नेता यहाँ मौजूद थे। तो आज सुबह से पहले यहाँ जो उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड से जो बड़े नेताओं को मध्यप्रदेश में लगाया गया वो नेता यहाँ पर थे, उनके साथ बैठक हुई। प्रवासी जो एक तरह से जो नेता है उनके साथ बैठक हुई। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो अब चौथी सूची जो आना है, अभी 79 टिकट थे उनके प्रत्याशियों को लेकर चर्चा, वो लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद अब 26 सीट ऐसी है जो भाजपा पिछले चुनाव में हारी थी तो उस सीट पर चर्चा हुई। इसके अलावा अब नए और भी दावेदार हैं या जो नए बाकी 150 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होना है तो उन सब नामों को लेकर, संगठनात्मक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई है। तो ये माना जा रहा है कि एक इस सप्ताह में किसी भी दिन अब फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। तो मध्य प्रदेश से जो लिस्ट दी जानी है, पैनल्स के नाम दिए जाने, वो उसको लेकर ये मंथन चल रहा है और अलग अलग बैठकों का दौर है। और यहाँ से प्रमुख नेता 2 से 3 नामों की सूची एक बनाएंगे, उसको फाइनल रूप देंगे और उसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होती है तो वहां पर तय होगा कि उसमें से आखिरी किसका नाम तय करना है। तो ये प्रक्रिया लगभग तेजी के साथ चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता 6 अक्टूबर के बाद कभी भी लग सकती है। तो इस सप्ताह में सारी सूची को अंतिम रूप दिया जाए और उसके बाद 2 से 3 सूची में सारे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, श्योपुर में पुलिस टीम पर हमले का मामला। दरअसल वारंटियों को पकड़ने के लिए पुलिस यहां पर गई हुई थी और उन पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने लाठी और डंडों से